कि घर की वो चार मर्यादा कौन सी है, जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। चार मर्यादा माता लक्ष्मी मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है। वो मर्यादा है कौन सी जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख सौभाग्य संपदा सत्ता वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति आरोग्यता ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले बहुवन मालूम पड़े, अपने कमरे में बैठी हुई है, मेहमानों ने आकर पूछ लिया क्यों बहू नहीं दिख रही, बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया, फिर मेहमानों ने पूछा बहू नहीं दिख रही, बस आती होगी। दो बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एकाध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं आई। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक गरुण पुराण में लिखा है 94 तरह के नरक में एक नरक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी ना किसी रूप में जो अतिथि आया है वो ना जेठ का है, ना देवर का है, ना वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनू किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनू, मंजिली सोचे मैं काय को गिनू, संजिली सोचे मैं काय को गिनू। तुम्हारे मां बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे मां बाप आए
और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा? फिर तुम्हारे घर के आए वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आतिथ्य घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त तो हो जाता, उसके डालियां मुरझा जाती है, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्र में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, दो चार आठ बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा, पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है महाराज, उसकी दोष था। वो दोष देने तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी संपदा प्रतिष्ठा यश आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना कर सकते। तीसरा क्रम कहा घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापिस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का जितना जल उस पात्र में रहता है भरता है, ऐसे ही घर में संपदा भरती। तीन क्रम बताए। चौथा नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई, लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद।